आधुनिक भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष जगजीवन राम का जन्म 5 अप्रैल 1908 को बिहार के भोजपुर के चंदवा गांव में हुआ। उन्हें आदर से बाबूजी के नाम से संबोधित किया जाता था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में उन्होंने आजादी की लड़ाई में सक्रिय योगदान किया। भारत छोड़ो आंदोलन में वो जेल भी गए। 1936 में 28 साल की उम्र में ही उन्हें बिहार विधान परिषद का सदस्य चुना गया था। उसके बाद बिहार में कांग्रेस की सरकार में वो मंत्री रहे। सन 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में शामिल होने के बाद वो 30 साल तक कांग्रेस मंत्रिमंडल के मंत्री के रूप में कार्य करते रहे। बाबूजी 1952 से 1984 तक लगातार संसद सदस्य चुने गए। 5 दशक से अधिक समय तक सक्रिय राजनीति में रहे बाबू जगजीवन राम ने सामाजिक कार्यकर्ता, सांसद और कैबिनेट मंत्री के रूप में देश की सेवा की। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि श्रम, कृषि, संचार, रेलवे या रक्षा, जो भी मंत्रालय उन्हें दिया गया, उन्होंने उसका प्रशासनिक दक्षता से संचालन किया और उसमें सदैव सफल रहे। बाबूजी किसी भी मंत्रालय में समस्या का समाधान बड़ी कुशलता से किया करते थे। 23 मार्च 1977 से 22 अगस्त 1979 तक विदेश के उप प्रधानमंत्री भी रहे। अपने 50 वर्षों के संसदीय जीवन में राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण और निष्ठा बेमिसाल है। उनका संपूर्ण जीवन राजनीतिक, सामाजिक सक्रियता और विशिष्ट उपलब्धियों से भरा हुआ है। सदियों से शोषण और उत्पीड़ित दलितों, मजदूरों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए जगजीवन राम द्वारा किए गए काम ऐतिहासिक हैं। जगजीवन राम का ऐसा व्यक्तित्व था जिसने कभी भी अन्याय से समझौता नहीं किया और दलितों के सम्मान के लिए हमेशा संघर्षरत रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।